हेलो फ्रेंड, आज सुबह सुबह नींद से उठ के जाएंगे मार्केट, और मार्केट में जाने के बाद घर पे बहुत सारा काम है। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा बनाएंगे, खाने का रेसिपी रहेगा, और ये वीडियो के लास्ट में रहेगा कॉकटेल का रेसिपी। ये हम आ गए नीचे मेडिकल में, यहाँ से एक एलोवेरा जेल लेने वाले। नाइट में ये एलोवेरा जेल लगाना बहुत अच्छा होता है, देख लीजिए आप लोग। फिर हम यहाँ से जाएंगे मार्केट, मार्केट में थोड़ा लेंगे आलू कांदा, और वीडियो के लास्ट तक रहिए दोस्तों। एक कॉकटेल का बहुत अच्छा रेसिपी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से थोड़ा आलू कांदा ले लेंगे मार्केट में, मार्केट में थोड़ा आलू कांदा, थोड़ा सब्जी लेने आए आज। फिर घर पे जाके खाने का वीडियो दिखाएंगे बना के आप लोगों को। एक बहुत बढ़िया अंडा कड़ी और बीट का सब्जी, आलू ले लिए हम अभी, थोड़ा सब्जी ले लेंगे, आलू कांदा ले लिए, थोड़ा सब्जी लेंगे अभी, सब्जी लेके फिर घर पे जाके आप लोगों को एक अंडा कड़ी और एक बीट का भाजी का रेसिपी थोड़ा दिखाएंगे। फिर यहाँ से हम सब्जी ले लेंगे, काकड़ी, एक ग्रीन पीस, ये सब ले लेंगे। लेके फिर हम जाएंगे घर, घर पे पहुँच के एक बहुत अच्छा आप लोगों को खाना का थोड़ा दिखाएंगे। मेरा वाइफ खाना बना रहा था किचन में, तभी मैंने थोड़ा वीडियो निकाल लिए, घर पहुँच गए। ये हमारा घर है, ये आलू और बीट का एक भाजी बना रहा था, खाने में बहुत टेस्टी होता है, राइस के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल, थोड़ा आलू, थोड़ा बीट और ऑनियन, ग्रीन चिल्ली और काला जीरा डाल के बनाने का रहता है। ये बन के रेडी हो गया है, और अभी बनाएंगे थोड़ा अंडा कड़ी। इसमें गार्लिक और अदरक नहीं रहेगा, बिना गार्लिक अदरक का अंडा कड़ी बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इसमें दही यूज़ होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में ऐसा अंडा कड़ी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप लोग घर पे बना सकते हो। पहले आलू को और अंडा को हल्का फ्राई कर लेने का, फिर उसमें हल्दी और नमक डाल के फ्राई करने का, हल्का फ्राई करेंगे तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत मज़ा आता है। और ये इसका जो है कांदा, टोमेटो, इसको थोड़ा पीसने का, और ये कांदा का ऐसा निकाल के इसको फ्राई करने का, और ये पेस्ट कांदा है, ये भी थोड़ा डालने का रहता है। बहुत मज़ा आता है अंडा कड़ी ऐसा खाने में। फिर ये अंडा कड़ी बनने के बाद, ये मसाला पकने के बाद थोड़ा इसमें दही डालते हैं, नमक, मिर्ची पाउडर, गार्लिक और अदरक नहीं रहेगा इसमें, टोमेटो पेस्ट रहेगा। बहुत मज़ा आता है, थोड़ा खट्टापन रहता है खाने में और बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा बाटी दही डाल देने के इसमें, बहुत मज़ा आएगा खाने में अंडा कड़ी। हमें तो बहुत पसंद है, आप लोग भी ऐसा घर पे अगर अंडा कड़ी बनाएंगे तो हमें बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर ये जैसे बन जाएगा, हम थोड़ा आज नहा धो के रेडी होके खाना खा के निकलेंगे होटल। ये रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे थोड़ा, ऐसा अंडा कड़ी खाने का मज़ा भी, ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा ही ऑयल डालते, खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। और हम लोग राइस खाते हैं, आप लोगों को अगर रोटी खाना पसंद है तो पानी कम डालने का कड़ी में। ये दही मिक्स कर देंगे अभी, दही मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी, थोड़ा धनिया डाल के इसको अच्छा से पका लेंगे, बस फिर बन के रेडी हो जाएगा हमारा अंडा कड़ी। बहुत खूबसूरत देखने में और खाने में भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। बस ये थोड़ा धनिया डाल दिया, अभी थोड़ा पानी डाल देंगे और बन के रेडी हो जाएगा हमारा अंडा कड़ी। ये बन के रेडी, अभी हम खाने बैठ गए, खाना लेके बैठ गए, खाना खा के अभी होटल में जाएंगे। होटल में पहुंच के आप लोगों को एक बढ़िया कॉकटेल रेसिपी दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, अभी अभी आए बार काउंटर में, होटल में खाना पीना खा के घर से अभी आए। आने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल बना लिए रॉयल स्टैग में, बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल है रॉयल स्टैग और मौसम्बी जूस में। आप लोग वीडियो के साथ रहिए, देखते कैसे बनते हैं रॉयल स्टैग और मौसम्बी जूस में हमारा कॉकटेल। चलिए देखते, स्टार्ट करते। हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग और मौसम्बी जूस। इसमें एक रॉयल स्टैग का बहुत बढ़िया कॉकटेल बना के दिखाने वाले आप लोगों को। पहले शेकर में ढेर सारा आइस ले लेंगे, ढेर सारा आइस लेंगे, 60 ml लेंगे रॉयल स्टैग। ये इंडियन व्हिस्की है, एक बढ़िया इंडियन व्हिस्की है। 60 ml लेंगे रॉयल स्टैग, 60 ml रॉयल स्टैग और 60 ml लेंगे मौसम्बी जूस। ये रियल का मौसम्बी जूस है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। 60 ml मौसम्बी जूस
और एक 15 ml लेंगे सिंपल सिरप, शुगर सिरप 15 ml। इसको अच्छा से सेक कर लेंगे। अच्छा से सेक करने के बाद एक ग्लास ले लेंगे लंबा, ये कॉलिंग ग्लास है, हाई बॉल ग्लास, कॉलिंग ग्लास है। इसमें कॉकटेल को सर्व करेंगे और थोड़ा सा टॉप अप करेंगे थोड़ा सा सोडा से, बस। ये बन के रेडी हमारा रॉयल स्टैग मौसुम्बी जूस में कॉकटेल। चीयर्स एवरीवन, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और एकदम सिंपल ड्रिंक है, होममेड ड्रिंक है, आराम से घर पे आप लोग बना के पी सकते हैं। रॉयल स्टैग में बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल बनेगा, बहुत टेस्टी ड्रिंक है और एकदम सिंपल ड्रिंक है रॉयल स्टैग में, रॉयल स्टैग कॉकटेल। और आप लोग इसको आराम से बनाएंगे और ऐसा पैक पीने का मज़ा तो कुछ अलग हो जाएगा दोस्तों। एकदम होममेड ड्रिंक है। चीयर्स एवरीवन, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चीयर्स।